हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कुक विद सुषमा में। आज हम बनाएंगे कोलकाता स्टाइल में चिकन मुगलाई पराठा, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। ये मैदा में ही बनाया जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। कुल मिला के ये 500 ग्राम मैदा है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी डालने से ये काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होता है। आप इसमें वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैदे के साथ घी और नमक को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने मैदे को मिला लिया है और उसमें इतना ही घी डाला है जितना कि ये एक मुट्ठी बनकर इस तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूंद लेंगे। मैदे का डो हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है और ना ज़्यादा हार्ड लगाना है, इसे हमें एकदम नॉर्मल डो लगाकर तैयार करना है। तो ये देखिए, हमने मुगलाई पराठा के लिए मैदे का डो लगाकर तैयार कर लिया है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। और अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगाना है और इसमें ऑयल लगा के गीले कपड़े से ढक के छोड़ देंगे। देखिए, ऑयल इसमें हमने लगा दिया है, इसे गीले कपड़े से ढक के छोड़ देंगे। इससे आटे की परत सूखेगी नहीं और आटा भी नरम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। कम से कम हमें मैदा को 20 मिनट का रेस्ट देना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे 350 ग्राम चिकन कीमा लिया है। हमने यहाँ पर एक पैन गरम कर दिया है। 1 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे और थोड़ा सा इसमें बटर डालेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होने लगे, इसमें डालेंगे हम कीमा। सारे कीमे को इसमें डाल देंगे और इसमें डाल के एकदम दानेदार फ्राई करेंगे, एकदम दानेदार भून लेंगे। अब चिकन को हमें यहाँ तब तक पकाना है जब तक चिकन सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसमें 1/2 चम्मच से भी कम नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। सभी को एक साथ मिलाते हुए एकदम दानेदारी में भून लेना है और एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है। चिकन ने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है, हमें इसे एकदम सुखा के दानेदार भून लेना है। ध्यान रहे, गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करके हमें इसे पका लेंगे। ये देखिए, इसका पानी भी पूरा सूख चुका है और हल्का सा इसे और भूनेंगे। कम से कम इसे 7 से 8 मिनट तक पकाना है। तो ये देखिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब चिकन भी हमारा पक चुका है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो चलिए, इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज काट के रखे हैं और थोड़े से हरे धनिया है और 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया है। मैंने यहाँ पे 6 अंडे लिए हैं। अब एक बाउल लेंगे और इसमें 1 अंडा तोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो 2 अंडे का भी बना सकते हैं, हम यहाँ 1 अंडे का बनाएंगे। अंडे को इसमें तोड़ देंगे। अंडे को हमें पहले से तोड़ के नहीं रखना है। अगर हम पहले से तोड़ के रखेंगे तो इसका व्हाइट वाला भाग है जो पतला हो जाएगा, इसलिए हमें जब मुगलाई पराठा बनाना है तभी हम इसको तोड़ के तैयार करेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़े से कटे हुए मिर्च, इन्हें मिला लेंगे। इन्हें ज़्यादा नहीं मिलाना है, हल्का ही मिलाना है और इसे साइड में रख देते हैं। तो चलिए, हम आटे का डो को चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और इसे हाथों से एक बार मल लेंगे और अब इसे बराबर बराबर भाग में बांट लेंगे। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, इसे हम बेल लेते हैं। तो चलिए, इस डो में सूखा आटा लगाकर बेल लेते हैं। तो चलिए, इसे बेल लेते हैं हम। इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे, एकदम मीडियम बेलेंगे। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे हस्बैंड को चिकन मुगलाई पराठा बहुत पसंद है, ये जब भी बाहर जाते हैं तो इसी का ऑर्डर करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा, चलो आज घर में बना ही डालते हैं, उनको भी सरप्राइज़ मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है। तो अब हम इसके चारों तरफ से बटर लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि अंदर से एग अच्छी तरह से पक जाता है।
देखिए हमने बटर लगा दिया है, अब इसको साइड साइड से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है और साइड से इस तरह दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे दबा दिया है। हमने इसे साइड से इसलिए फोल्ड किया है जो इसमें एग डालेंगे वो साइड से निकले नहीं। ये देखिए जो हमने एग फोड़ के तैयार किया था उसमें अब चिकन का कीमा डाल देंगे। आप कम ज़्यादा अपने अनुसार डाल सकते हैं और इसे मिला लेंगे। ये देखिए मैंने इसे मिला लिया है। तो ये देखिए इस रोटी के ऊपर हमें इसे सेंटर में डाल देना है इस तरह से। और इस रोटी को इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और साइड साइड से चिपका देंगे जिससे कि ये बाहर निकले नहीं। ये देखिए अब इसे उठा के हम तवे पे डाल देंगे पकने के लिए। तो ये देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम नहीं है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो चलिए जब तक मुगलई पराठा धीमी धीमी आंच पे पक रहा है तब तक हम दूसरा मुगलई पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इस पराठे को हम पलट लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह से हम सारे मुगलई पराठा बना लेंगे। तो ये देखिए मुगलई रोटी को इस तरह से हम डाल देंगे तवे पे और इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, नहीं तो ये अंदर से सीकेगा नहीं और अंडे भी कच्चे रह जाएंगे। इसी तरह से हम सारे मुगलई पराठे बना लेंगे। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कितना बढ़िया कुरकुरा एकदम मस्त मुगलई पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा और प्लीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इन्हें काट कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से अंदर से पक चुका है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए है ना कितना आसान बनाना इसे, आप इसे जरूर बनाइएगा। तो ये देखिए मुगलई पराठा को मैंने चिकन चिल्ली के साथ सर्व किया है, आप इसे सॉस के साथ भी खा सकते हैं। और मुगलई पराठा पे आप काला नमक डाल के या फिर चाट मसाला डाल के खाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा।